साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए अगर कोई क्वेश्चन करते हैं डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन से रिलेटेड, मैं उसका आंसर जरूर देता हूं। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा से रिलेटेड या मेडिसिन से संबंधित, आप अगर क्वेश्चन करेंगे या कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मायसेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हमारे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, अगर बैक लग गई सेकेंड ईयर डी फार्मा में, कहने का मतलब है सेकेंड ईयर डी फार्मा में विद्यार्थी है और उसका एक बैक आ गया है, बैक लग गई डी फार्मा में, तो क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं? कहने का मतलब ये क्वेश्चन विद्यार्थी ने किया है। साथियों, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जैसे ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है और इंस्टीट्यूट या कॉलेज क्या करता है कि आपको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग का फार्मासिस्ट फॉर्म जो है इशू कर देता है कि आप 3 मंथ हॉस्पिटल की ट्रेनिंग जो है वहाँ जाके करिए। उसके बाद क्या होता है कि 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है और 2-3 महीने के बाद मोस्टली आपका रिजल्ट आ जाता है। आप रिजल्ट में क्या होता है कि आपके सारे पेपर जब क्लियर होते हैं, तो साथियों होता क्या है कि साथ ही साथ सारे पेपर क्लियर होते हैं और आपने इधर जो है हॉस्पिटल की 3 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, वहाँ से आपको फॉर्म कंप्लीटेड होके हॉस्पिटल से मिल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए PCI में अप्लाई करते हैं। वैसे तो साथियों रूल यही है कि अगर आप सारे पेपर कंप्लीट कर लेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और तभी होता भी है, लेकिन आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में विद्यार्थी ने पूछा कि डी फार्मा सेकेंड ईयर में अगर हैं और हमारा बैक आ गया है, तो क्या हम हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं? यस, आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन साथियों तभी होगा जब आप जो है क्या कहते हैं कि सारे पेपर क्लियर कर लेंगे। तब तक आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करके और जो हॉस्पिटल से आपका फॉर्म जो कंप्लीटेड मिलेगा उसको आप रखे रहिए। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हैं जो हर तरह के क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ साथियों। और साथियों, डी फार्मा और बी फार्मा होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? डी फार्मा है क्लिनिकल में मैप है, मैंने 200 बार सर साथियों बताया है, और बी फार्मा इंजीनियरिंग में मैप है। डी फार्मा 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। ये क्या होता है कि जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब लगती है, क्योंकि क्लिनिकल में है, क्लिनिकल में ये है कि मेडिसिन के रखरखाव से लेकर मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डोज बचाना, इंजेक्शन को लगाना और जो है क्या कहते हैं दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये जो है डी फार्मा के, और मट्टी पर हम करना मतलब पट्टी और मरहम जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में ड्रेसिंग करना, और जो है क्या होता है मेडिको लीगल ड्यूटी संपादित करना, VIP ड्यूटी करना। तो ये जो है क्या होता है क्लिनिकल में मैप है। ये डी फार्मा के फार्मासिस्ट जो होते हैं, CSC है, PSC है, 100-bed हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो है साथियों इनकी जॉब लगती है। और उसमें होता क्या है कि वो जो है मतलब बी फार्मा जो है इंजीनियरिंग में मैप है, उसमें साथियों क्या है कि आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं या फिर जो है गवर्नमेंट जॉब जो है कुछ जगहों पे जैसे केंद्र की SI हॉस्पिटल है उसमें निकलने लगी है, अदरवाइज ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और आर्मी में, पहले आर्मी में साथियों क्या होता था कि 12th बायो या मैथ होता था विद्यार्थी और उसकी आर्मी में भर्ती हो जाती थी, उसके बाद उसको वहाँ पर स्टडी कराते थे, 2 ईयर डिप्लोमा कराते थे, उसके बाद उसकी जो है जॉब उसी में लगती थी। अभी क्या है साथियों, रूल चेंज हो गया है। जैसे अभी अम्बाला में जो है हरियाणा में आर्मी की भर्ती चल रही है, वहाँ पे डी फार्मा और बी फार्मा जो भी कैंडिडेट जो है पास आउट होंगे और उनकी एज और क्राइटेरिया जो उनका दिया हुआ पैरामीटर है वो एलिजिबिलिटी में अगर होगा, तो वो पहले तो क्या होगा कि वो जो है फिजिकल कंप्लीट करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें पास आउट हो जाते हैं तो आपको जो है मतलब ऑफिसर रैंक मिलेगी। जैसे कि CRPF में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसमें भी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकलती है और उसमें क्या होता है कि आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, 2 स्टार मिलेगा, रिवॉल्वर मिलेगी, ट्रेनिंग वैसे करना है, लेकिन बांटनी मेडिसिन ही है हॉस्पिटल, तो CRPF के जो हॉस्पिटल होते हैं उसी तरह से। तो कहने का मतलब है कि रूल चेंज हो गया है, अभी जो है बी फार्मा डी फार्मा दोनों की आर्मी में जॉब लग सकती है, अदरवाइज़
जो है बी फार्मा की बहुत से जो है एसोसिएशन के संघर्ष के बाद ऐसा पॉसिबल हो पाया है। बी फार्मा ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है, प्रोडक्शन में जा सकता है, टीचर बन सकता है साथियों, और जो है अपग्रेड होके जो है वो टीचिंग लाइन में, जैसे एम फार्मा कर लिया इस तरह से जो है क्या करते हैं। तो डी फार्मा और बी फार्मा में ये डिफरेंट है। और डी फार्मा की जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है वो जो है 500 आवर्स, 500 घंटे कहने का मतलब 3 मंथ में कंप्लीट करनी होती है, जिसमें जो है क्या होता है कि इमरजेंसी ड्यूटी भी संपादित हम करवाते हैं, जैसे कि VIP ड्यूटी लगती है, मेडिकल लिक्विड ड्यूटी, साथ ही साथ इमरजेंसी सेवाएँ होती हैं, मरीज आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर के साथ हमेशा एक फार्मासिस्ट रहता है साथियों। और क्या होता है, OPD में ड्यूटी लगती है, जहाँ पे मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर तरह के डॉक्टर क्या होते हैं कि मेडिसिन जो है इंडोर हॉस्पिटल में जो है लिखते हैं, वो फ्री में दी जाती है मरीजों को, और उसकी जो है डॉक्टर ने क्या क्या लिखा है उसके बाद मरीज को हम उसकी डोज बनाते हैं, और 10 डेज की दवा, 15 डेज की, डिपेंड करता है किस तरह का मरीज है उस तरह से। इंजेक्शन रूम है साथियों, उस इंजेक्शन रूम में जो है कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं, क्या क्या सप्लाई में है, सभी कुछ उसमें लगाने के लिए कैसे लगता है, IM लगता है, IV रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सभी को सिखाते हैं। उसके बाद साथियों क्या होता है, प्लास्टर रूम में हम प्लास्टर करना सिखाते हैं, और जो है क्या होता है ड्रेसिंग में ड्रेसिंग करना, और इमरजेंसी ड्यूटीज में इमरजेंसी केसेस जैसे आया है, तीनों शिफ्ट में ड्यूटी होती है, उसको कैसे हैंडल करना है। यह मॉर्निंग ड्यूटी है, उसमें क्या क्या दिक्कत, मतलब इमरजेंसी में केस आया है, इमरजेंसी है, उसको क्या क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, या ऑक्सीजन लग रही है तो कैसे लग रही है, उसका BP कैसे नापेंगे, स्टेथोस्कोप से कैसे इसको चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे देखेंगे, सभी कुछ हम जो है सिखाते हैं साथियों। साथियों बी फार्मा की जो है पहले तो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग नहीं होती थी, अभी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होने लगी है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में जो है मैप्ड कर रखा है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में मैप कर रखा है। अब उसमें क्या होता है कि एक उसमें जो है सब्जेक्ट में नंबर्स दिए जाते हैं कि हॉस्पिटल की आपने ट्रेनिंग दी है कि नहीं, तो उसमें 45 डेज की है, किसी किसी इंस्टीट्यूट में जो है यूनिवर्सिटी में 30 डेज की ट्रेनिंग है। उसमें साथियों हम सभी को सिखाते हैं दवाई को कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मरीजों को क्यों क्या डोज है क्या है सब कुछ बताते हैं, उसके बाद इमरजेंसी ड्यूटीज़ करते हैं सभी कुछ, स्टेथोस्कोप कैसे लगाते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे चेक करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लगाते हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर कैसे चेक करते हैं, सभी कुछ हम जो है डॉक्टर के साथ सिखाते हैं जो है स्टूडेंटों को। साथियों किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और साथियों साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।